नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अनुच्छेद 370 पर रोने धोने और अमेरिका में दर दर भटकने के बाद अब इमरान खान की अकल ठिकाने आ गई है कि आतंक से कुछ नहीं होने वाला, अब इंसान तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद कुछ नहीं देता और जो देता है वो होती है जिल्लत और बेहयाई। लाख कोशिशों के बाद भी दुनिया के जुटे इस मजमे में सभी देश कुछ ना कुछ लेकर अपने देश खुशी खुशी गए, लेकिन एक देश पाकिस्तान है कि सिर्फ और सिर्फ शर्म, बेइज्जती और ताने लेकर पाकिस्तान लौटा। लेकिन इतना होने के बाद भी इमरान खान नहीं माने और यूएन में दुनिया को धमकी देकर अपने घर गए। लेकिन दुनिया को मालूम है कि घर पैसे से चलता है और पैसा तो मेहनत से आता है, खून बहाने से नहीं। फिर करें तो करें क्या? हार पछताकर पाक प्रधानमंत्री इमरान खान इसी हफ्ते चीन के दौरे पर जाने वाले हैं और चीन से गिड़गिड़ाकर कुछ पैसे लेकर आने वाले हैं, ताकि पाकिस्तानियों को भूख, महंगाई और बेरोजगारी से बचाया जा सके। लेकिन ये कब तक चलेगा? चीन एक शातिर मुल्क है जो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, और जब तक फायदा है तभी तक वो पाकिस्तान के साथ है। और यही कारण रहा है कि चीन ने अमेरिका में पाकिस्तान के लिए उस तरह से लॉबिंग नहीं की जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि चीन जानता है कि पाकिस्तान का अगर साथ दिया तो उसकी भी आलोचना होना तय है। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रणनीतिकारों ने चीन के निवेशकों को रुझाने के लिए एक योजना बनाई है। इमरान खान चीन में 8 अक्टूबर को बीजिंग में चीन पाकिस्तान व्यापार मंच में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा की सटीक तारीख अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यात्रा पर जाएंगे जरूर। यहाँ पर एक बात बता दें कि इस साल इमरान खान की ये तीसरी यात्रा है। खान की ये चीन यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बहुत बढ़ा हुआ है। चीन पाकिस्तान का दोस्त है और उसने कश्मीर मुद्दे पर उसका समर्थन भी किया था। यहाँ पर एक बात आपको याद दिला दें कि जब भारत ने अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाया था तो चीनी सरकार को ब्रीफ करने के लिए विदेश मंत्री चीन के दौरे पर गए थे, और उस वक्त चीन के विदेश मंत्री यांग यी ने कहा था कि कश्मीर पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव लाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर मामले को शांत कर लेंगे, और संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन ने स्वीकार किया था कि कश्मीर का मामला द्विपक्षीय है और किसी अन्य देश को दखल देने की जरूरत नहीं है। यांग ने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि अतीत से प्राप्त कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौते के अनुसार शांतिपूर्ण और उपयुक्त ढंग से हल किया जाना चाहिए। इससे भी पाकिस्तानी थिंक टैंक को काफी धक्का लगा था, और पाक पीएम इमरान खान को भी ये बात समझ में आ गई थी कि चीन भारत के मामले में उतना ही पाकिस्तान के साथ चलेगा जितना उसे लगता है कि ठीक है, और अगर चीन को लगता है कि आगे चलने में खतरा हो सकता है तो वो अपने पैर पीछे खींच लेगा। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है वो है बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, और इससे निपटने के लिए चाहिए पैसा। आईएमएफ पैसा देने के लिए तैयार तो है, लेकिन उसकी 6 शर्तें हैं जो इमरान खान के बस में नहीं है कि उसे पूरी कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि इमरान के लिए एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं है। अब इमरान खान किधर जाएं, क्योंकि जहां जा रहे हैं वहीं जान का खतरा बना हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है, क्या चीन पाकिस्तान को पैसा देता है या नहीं। अगर दे भी दिया तो ठीक, नहीं दिया तो इमरान खान को खाई में गिरना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है।